हेलो फ्रेंड्स, आलू की सब्जी के साथ पूरी का आपने नाश्ता कई बार किया होगा, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ फली मसाला पूरी के साथ। पूरी के साथ फली मसाला का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है और मेरे फादर इन लॉ का फेवरेट है। एक्चुअल उन्होंने ही मुझे ये फली मसाला बनाना सिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं फली मसाला बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को प्रेस कीजिए। फली मसाला बनाने के लिए सबसे पहले ग्वार की फली को अच्छे से धो लें और कपड़े की सहायता से उसे सुखा लें। इसके बाद फली के दोनों साइड्स को इस तरह से कट कर लीजिए। इसी तरीके से सारी फलियों के जो साइड्स हैं उनको कट कर लीजिए। कट करने के बाद इनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें। ये बारीक बारीक कटी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो बड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काटेंगे तो बहुत अच्छी, खाने में टेस्टी लगेगी। अब एक पैन में ऑयल गरम कीजिए, अच्छे से इसको फैला लीजिए। अब इसमें डालिए जीरा, कटा हुआ लहसुन, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हींग। और अब इनको धीमी आंच पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। अब ये फली जो हमने काट के रखी थी उसको इसमें डाल दें। और अब इसमें बेसिक से मसाले डालें, जैसे नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब इन सबको मिक्स कर दें। ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इनको ढककर धीमी आंच पर पका लें और इनको बीच बीच में चलाते रहें। अब ढक्कन हटा दीजिए और एक बार अच्छे से और मिक्स कीजिए और इसको देख लीजिए कि फली अच्छे से पकी है या नहीं। फली अच्छे से पक गई है, देखिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर और सांभर मसाला। जी हाँ, सांभर मसाला डालकर इसका टेस्ट बहुत बहुत बढ़ जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इनको अच्छे से मिक्स करिए और अब इसके ऊपर से एक या दो चम्मच थोड़ा सा देसी घी मिला दीजिए। और अब इसे तेज आंच पर थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से भूनेंगे। तो लीजिए, तैयार है फली मसाला बनकर। अब इसे अलग प्लेट में निकाल लीजिए और इसे गर्मा गर्म पूरी, रोटी या पराठे किसी के भी साथ सर्व करके आप खा सकते हैं। और ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।